सिंगापुर के इन इमारतों के फैसेट को देखिए, और ये नई दिल्ली, न्यूयॉर्क और हांगकांग की इमारतें। आपने कुछ गौर किया? दुनिया के इन हिस्सों में एयर कंडीशनर के बिना रहना काफी मुश्किल या खतरनाक हो सकता है। भारत में भीषण गर्मी से 2 महीनों में 1 दर्जन से अधिक लोग मारे गए हैं। लेकिन इससे हमारी चिंता बढ़ रही है। इस तकनीक के लिए काफी ऊर्जा चाहिए। दरअसल इमारतों को ठंडा रखने में पूरी दुनिया की 10% बिजली की खपत हो रही है, और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए बुरी खबर है। लेकिन हमारे पास समाधान भी हैं, कुछ पारंपरिक तो कुछ आधुनिक, जिनके लिए काफी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। तो क्या ये समाधान हमें इस दुष्चक्र से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं? इस समस्या की शुरुआत की कहानी 1902 में न्यूयॉर्क से शुरू होती है। इसी शहर में इंजीनियर विलिस कैरियर ने पहला आधुनिक एसी बनाया था। उन्होंने प्रिंटिंग प्लांट में नमी नियंत्रित करने के लिए एक इंजन डिजाइन किया, क्योंकि गर्मी से प्रिंटिंग खराब हो जाती थी। आज वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा एसी का इस्तेमाल करने वाले देशों में अमेरिका भी है। यहाँ के 90% घरों में एसी लगा है, जबकि दुनिया के कुछ सबसे गर्म हिस्सों में 10% घरों में भी एसी नहीं है। लेकिन अब अन्य देश भी अमेरिका के रास्ते पर हैं। ये आंकड़े देखिए, इनसे पता चलता है कि आने वाले दशकों में इन उभरती अर्थव्यवस्थाओं में रहने वाले लोग अपने घरों और इमारतों को ठंडा रखने के लिए अनुमानित तौर पर कितनी ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करेंगे। भारत के एयर कंडीशनर बाजार को देखें तो ये दोहरे अंकों में बढ़ रहा है। अंकित वैश्विक बाजार में कम ऊर्जा खपत करने वाले एसी लाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत की आबादी बढ़ रही है, देश का मौसम भी गर्म होता जा रहा है, साथ ही शहरीकरण बढ़ रहा है और आबादी का बड़ा हिस्सा शहरों का रुख कर रहा है। इन सब की वजह से एयर कंडीशनर की मांग भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। इन रुझानों की वजह से 2050 तक घरों को ठंडा रखने के लिए वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की मांग में 3 गुना बढ़ोतरी होने का अनुमान है। अब सवाल ये है कि गर्मी बढ़ाए बिना ये बढ़ती मांग कैसे पूरी की जाए, क्योंकि ज्यादातर देशों में काफी ज्यादा ऊर्जा की खपत वाली तकनीक जीवाश्म ईंधन से चलती है। इससे काफी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है और ये वातावरण को गर्म करती है। आजकल एसी रेफ्रिजरेंट्स कॉइल के जरिए चलते हैं, जो गर्म हवा से गर्मी अवशोषित करते हैं। उनमें से कुछ पूरी तरह ग्रीन हाउस गैस हैं। आप नहीं चाहेंगे कि ये आपकी एसी यूनिट से लीक हों। एसी रेफ्रिजरेंट से अवशोषित गर्मी को बाहर निकालकर घरों को ठंडा रखते हैं, यानी वो आसपास का वातावरण गर्म बना देते हैं। अब जो एसी नहीं खरीद सकते, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए एसी से वायुमंडल पर 3 गुना असर पड़ता है। स्मार्ट समाधान ये है कि कम ऊर्जा खपत करने वाली कूलिंग तकनीक का इस्तेमाल हो या फिर बिना एसी के कूलिंग। प्रसाद पैसिव सोलर डिजाइन के विशेषज्ञ हैं। वो कहते हैं कि स्थायी तौर पर ठंडक बनाए रखने के 3 चरण हैं। सबसे पहले हमें पूरे शहर की गर्मी घटाने की जरूरत है। आपने शहरी गर्म द्वीप प्रभाव के बारे में सुना होगा। ऐसा तब होता है जब इस तरह के शहरी क्षेत्र अपने आसपास के इलाकों की तुलना में ज्यादा गर्म हो जाते हैं, क्योंकि कंक्रीट गर्मी को अवशोषित करते हैं और उसे बनाए रखते हैं। लेकिन शहरों में ज्यादा से ज्यादा छायादार पेड़ लगाने और अन्य योजनाओं से गर्मी कम हो सकती है, जैसा कि बर्लिन में हो रहा है। और कारों से निकलने वाली गर्मी को कम करने से भी फर्क पड़ता है। अगला चरण ये है कि इमारतों को ऐसे डिजाइन किया जाए कि उनमें एसी की जरूरत ना हो। टेक्नोलॉजी के आने से पहले दुनिया भर में लोगों के पास अपने अपने समाधान थे। चार्ल्स वियतनाम और मॉरिटानिया जैसे देशों में जैव जलवायु वास्तुकला परियोजनाओं का नेतृत्व करते हैं, यानी स्थानीय जलवायु को ध्यान में रखते हुए इमारतें डिजाइन की जाती हैं। कुछ आधुनिक इमारतों में पहले से ऐसा हो रहा है, जैसे कतर यूनिवर्सिटी। यहाँ इमारतें ठंडी रखने के लिए विंड टावर इस्तेमाल किया जाता है। ईरान और अन्य मध्य पूर्वी देशों में सदियों से ये तकनीक इस्तेमाल होती आई है। कथित विंड कैचर यूं डिजाइन किए जाते हैं कि ताजी हवा घरों के अंदर आती है और गर्म हवा निकल जाती है। आपने गर्म जलवायु वाले इलाकों में ऐसे सफेद पुते घर देखे होंगे। भारत जैसे कुछ देशों में फिर से ये तरीका अपनाया जाने लगा है। छतों को सफेद चूने से पेंट किया जा रहा है, जो कम गर्मी अवशोषित करता है। इससे घर उतना गर्म नहीं रह जाता। क्रॉस वेंटिलेशन के हिसाब से घरों को डिजाइन करने के लिए हवा की दिशा जानना अहम है। वहीं कई अन्य तरीकों से भी घर ठंडे रखे जा सकते हैं, जैसे घर के बाहरी ओर छज्जा बनाना। साथ में इंसुलेशन भी गर्मी को आपकी छत से गुजरने से रोकता है। हालांकि कभी कभी एसी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल कम हो सकता है। दिक्कत यह है कि जिन देशों में निर्माण कार्य तेजी पर है, वहां नई बनी इमारतें ऐसी दिखती हैं।
बिल्डर फर्श से लेकर छत तक शीशे का इस्तेमाल करते हैं और ये वास्तविक समस्या है। हर बार जब आप किसी इमारत में शीशा लगाते हैं तो उसे हॉट बॉक्स में बदल देते हैं। ये सोलर कुकर जैसा है। इट्स लाइक अ सोलर कुकर। आर्किटेक्ट्स और इंजीनियरों का कहना है कि ये सुंदर वास्तुकला लोकप्रिय है क्योंकि इसे आकर्षक, आधुनिक और प्राकृतिक रोशनी देने वाला माना जाता है। इसे बदलने के लिए भवन निर्माण से जुड़े कड़े कानूनों को लागू करने की जरूरत होगी ताकि ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल हो सके, और इस नियम को लागू करने के लिए व्यापक सांस्कृतिक बदलाव भी जरूरी है। एक और दिक्कत यह है कि ये तरीका नई इमारतों के लिए तो लागू हो सकता है, लेकिन पहले से मौजूद पुरानी और खराब इंसुलेशन वाली इमारतों का क्या होगा? इसके लिए हमें अलग समाधान यानी बेहतर क्षमता वाले एसी इस्तेमाल करने की जरूरत है। लेकिन क्या होगा अगर हम कम ऊर्जा खपत करने वाले एसी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचें? सिंगापुर में इस तरह की व्यवस्था पहले से ही है। यहाँ एक भूमिगत एयर कंडीशनर है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा एयर कंडीशनर माना जाता है। ये रिहायशी इमारतों, बैंकों, मॉल और इस प्रतिष्ठित होटल को ठंडा करता है। इस तकनीक को डिस्ट्रिक्ट कूलिंग कहा जाता है। इसमें 50% तक ऊर्जा की बचत होती है और इतना ही कम उत्सर्जन होता है। इसकी मदद से पानी जमीन से 25 मीटर नीचे ठंडा किया जाता है और फिर अलग अलग इमारतों में पाइप से पहुंचाया जाता है। टोरंटो, पेरिस और हांगकांग जैसे शहरों में पहले से ही एक सिस्टम की मदद से दर्जनों इमारतों को ठंडा करने का काम किया जा रहा है। ये बात थोड़ी काल्पनिक लग सकती है, लेकिन अन्य समाधानों की तरह इसके लिए ज्यादा पैसों, जानकारी और जागरूकता चाहिए। अच्छी बात है कि कूलिंग के लिए हमेशा ऐसा दिखना जरूरी नहीं, लेकिन अगर हम टिकाऊ समाधान की दिशा में तेजी से आगे नहीं बढ़ते हैं तो उसी समाधान में फंसे रह सकते हैं जो असल में समस्या है।